सरकार ने हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं की है। सरकार ने सोची समझी रणनीतिक साजिश के तहत चुनावी सगुफा छोड़ा है। ये जो सेवा शर्त की खिचड़ी सरकार बना रही है, ये सेवा शर्त को बना नहीं रही है, ये सेवा शर्त को बिगाड़ रही है। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक सरकार के द्वारा पैक किए गए किसी भी चुनावी आइटम को रिजेक्ट करेंगे। अगर नियोजित शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया तो राज्य के नियोजित शिक्षक सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप कार्यन है। नियोजित शिक्षकों का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ा है। कारण है कि 5 साल से जो उनका सेवा सत्र का मांग था, उसे अब बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कई लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इस पर अभी काफ़ी तरह के चर्चाएं चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी शिशिर कुमार पांडे जी, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के। इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना है सर, आखिरकार सरकार ने आप लोगों की जो मांग है वो सुनी है कि सेवा सत्र में अब आप लोग को वो सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो मिलते थे, क्या आप लोग की क्या कहना है सर इस मामले? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि सरकार ने हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं की है जी। सरकार ने सोची समझी रणनीतिक साजिश के तहत चुनावी सगुफा छोड़ा है जी। सेवा शर्त कमेटी का गठन 11 अगस्त 2015 को हुआ था। आज 5 साल गुजर गए, बावजूद नियोजित शिक्षकों के हाथ कुछ नहीं लगा। ये जो सेवा शर्त की खिचड़ी सरकार बना रही है, ये सेवा शर्त को बना नहीं रही है, ये सेवा शर्त को बिगाड़ रही है। और उसने बनाया नहीं है, सेवा शर्त को बिगाड़ा है। हमारा सेवा शर्त पूर्व के नियमित शिक्षकों की भांति राजकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान एवं तमाम सुविधाएं, उसको अगर सरकार लागू करती है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक सरकार के द्वारा पैक किए गए किसी भी चुनावी आइटम को रिजेक्ट करेंगे, मैं इसका वादा करता हूं और इसका दावा करता हूं। जी, आप रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, चुनावी साल है, इस बार वोटिंग भी होगा, आप लोग भी मतदाता हैं। आप पुराने जो शिक्षक हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ दिया जाता था उसकी मांग कर रहे हैं, क्या है उसमें, क्या आप लोग का मांग रहेगा? देखिए, शुरू से ही राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीतियों से सरकार ने नियोजित शिक्षकों के मन में असंतोष, रोष और आक्रोश को पैदा किया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज अगर एक नियोजित शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसके साथ किसी भी तरह का कंपनसेशन सरकार ने आज तक नहीं दिया, सिवाय 4 लाख रुपए के भीख के। 4 लाख रुपए की भीख सरकार उनके परिजनों के आगे टुकड़ों की तरह फेंक देती है। इसके अलावा राज्य के नियोजित शिक्षकों और पुराने शिक्षकों के बीच जो सेवा सुविधाओं का की दूरी है वो बहुत बड़ी है, जो खाई है वो बहुत बड़ी है। ना हमारे पास अर्जित अवकाश है, ना हमारे पास उपादान है, ना हमारे पास ग्रुप बीमा है, ना हमारे पास भविष्य निधि है, ना हमारे पास अन्य कोई सुविधा है। सेवांत लाभ के नाम पर सच पूछिए तो नियोजित शिक्षकों के पास कुछ नहीं है। तो ये सभी की मांग रहेगी आप लोगों की इस बार? परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने सेवा शर्त कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन तमाम सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंप करके इन मुद्दों को इसमें समाहित करने की मांग उठाई थी। अब देखना यह है कि ये जो बिरबल की खिचड़ी बन करके आ रही है, इसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या छीनता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो ईपीएफ सरकार देने का दावा कर रही है कि हम नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दे रहे हैं, वो सरकार दे नहीं रही है, बल्कि वह केवल और केवल हाईकोर्ट की अवमानना से बचने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा
जो अर्जित अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, उपादान है, सामान्य भविष्य निधि के जगह पर इसने कर्मचारी भविष्य निधि की घोषणा की है। खैर, अब तो कल या कल के बाद जो है ये पूरे का पूरे क्लियर हो जाएगा कि इस 5 साल की बहुप्रतीक्षित जो सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम था उसका फलाफल क्या है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात सरकार को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर पुराने शिक्षकों के सेवा शर्त से इतर अगर नियोजित शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया तो राज्य के नियोजित शिक्षक सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भी भोगना पड़ेगा। जी, एक और मामला अभी बहुत ताज़ा चल रहा है। फॉर्म भरने की तिथि आ गई है 10वीं की 12वीं की। बच्चों की पढ़ाई पिछले 5 महीने से बाधित है, बिल्कुल ही ना क्लासेस हो पा रहे हैं और ऑनलाइन का स्थिति बहुत बुरा है। इस पर क्या कहना है? लगातार शिक्षक भी इस पर अभी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के चलते बंदी चल रहा है। देखिए, ये वैश्विक महामारी जिसने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है, ऐसी स्थिति में यह बात सत्य है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन वो मूल पढ़ाई से अलग है। जहाँ तक 10वीं और 12वीं के बच्चों का सवाल है तो मुझे बड़ी सहानुभूति उनके साथ है और बड़ा दुख इस बात का है कि कोरोना काल के कारण हम लोगों ने विद्यालय बंद रहने के कारण उनको मुकम्मल शिक्षा नहीं दी है और ये इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसका हमें बड़ा खेद है। तो आखिरकार सरकार ने जब फॉर्म भरने का तिथि दे दिए, सरकार के द्वारा दे दिया गया, तो बच्चे के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है? सरकार का ये डिसीजन, इसमें बच्चे या फिर शिक्षक क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने पूर्व में कहा यह चुनावी वर्ष है और शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि दुर्भाग्य है कि जब भी राजनीति बिहार में हुई है तो शिक्षा पर ही हुई है। हालिया घटनाक्रम में आप देखें कि जो बच्चे अनुतीर्ण हो गए थे उनको भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पास कर दिया। तो ये क्या है? ये केवल एक चुनावी स्टंट है। जब ऐसा ही करना था तो परीक्षा आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी? सभी बच्चों को एक समान पास कर देना था। ठीक उसी तरह सरकार को सोचना चाहिए था और तब यह निर्णय लेना चाहिए था। मैंने पूर्व में कहा कि यह चुनावी वर्ष है और शिक्षा पर जबरदस्त राजनीति नीतीश सरकार करती रही है, करती रहेगी। जी, तो ये बिहार है, यहाँ पर शिक्षा पर राजनीति होती है, ऐसा कहना है सुशील कुमार पांडे का। हमने इतिहास में भी देखा है कि कभी कर्पूरी डिवीजन आता था तो कभी जगन्नाथ मिश्रा के समय वित्त रहित शिक्षा प्रणाली आई थी, और अब नीतीश कुमार के काल में नियोजित शिक्षकों का मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़े हुए है। 11 अगस्त 2015 को इन्होंने इसकी मांग उठाई थी और ठीक इस साल अगस्त के महीने में 5 सालों के बाद इनकी मांग पर सरकार ने सुनवाई की है, वो भी तब जब चुनाव महज कुछ महीने के दूरी पर रह गया है। नियोजित शिक्षकों की हर खबर अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। जिस बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को लाइक और फॉलो भी करिएगा। धन्यवाद।